इंडिया को भी अकेले ट्रैवल करने मत आना यार, बहुत बुरा लोग पता है। एक यूट्यूबर ने रोते रोते कहा कि हिंदुस्तान कभी मत आना, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। आपको बता दें कि इस यूट्यूबर के साथ जो है बदसलूकी और बदतमीजी हुई चमोली में, उत्तराखंड में। ये यूट्यूबर अपनी बाईसाइकिल पर, यानी अपनी साइकिल पर निकला था नेपाल से केदारनाथ दर्शन के लिए। हालांकि ये कहीं चमोली रुका था, जहां पर आप भी जानते हैं कि स्टे तो कहीं ना कहीं कर रहा है, वहां पर इसके साथ बहुत ज्यादा जो है वो बदतमीजी की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रो रहा है और रोते रोते कह रहा है कि हिंदुस्तान कभी मत आना और हिंदुस्तान कभी अकेले मत आना, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे नहीं। हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा है और हिंदुस्तान के लोग भी बहुत अच्छे हैं और हमें फक्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन इस नेपाली यूट्यूबर के साथ क्या हुआ कि जो उसने रोते रोते ऐसा कहा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो को हर कोई शेयर कर रहा है। और क्यों शेयर कर रहा है, क्योंकि ये यूट्यूबर जो है कुछ बता रहा है और ये यूट्यूबर अपनी वीडियो में कह रहा है कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चाहे आप नेपाल से हैं, चाहे आप उत्तराखंड से हैं, चाहे आप भारत से हैं, चाहे आप भारत के बाहर से हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि इस वीडियो में आपको एक शख्स दिख रहे होंगे जिन्होंने एक टी शर्ट पहना है ब्लू कलर का, वो शख्स जो है इसके साथ काफी ज्यादा बदसलूकी कर रहे हैं। उस शख्स ने इसे खाना खिलाया, पानी पिलाया, अब वो ये जता रहे हैं कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया ना, मैंने तुम्हें पानी पिलाया ना, अब तुम आराम से बैठकर जो है वो मेरी बात सुनो। हालांकि कहा जा रहा है कि इसके डॉक्यूमेंट्स, आप इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात भी सुन सकते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि तुम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। वो यूट्यूबर ये कह रहा है कि कभी रास्ते में बारिश होती है, कभी सड़कें खराब होती है, मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं निकला हूँ, मेरे डीजी लॉकर और मेरे फोन में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं वो लेकर निकला हूँ। जब दूसरी ओर आप देखते हैं, फिर से इस यूट्यूबर को कहा जाता है फोन बंद करें। वो कहते हैं, अरे मैं फोन बंद क्यों करूं, मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ, आप मेरा सोशल मीडिया पर यानी यूट्यूब पर आप मेरा चैनल देख सकते हैं, मैं एक ट्रेवल व्लॉगर हूँ, मैं नेपाल से निकला हूँ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, मैं दर्शन कर चुका हूँ। हालांकि वो नेपाली है, उससे दर्शन करने के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है, तो वो बता रहा है कि मैंने दर्शन किए, पर जो जनाब है सामने वाले वो उनसे कुछ चीजें पूछ रहे हैं जो उसे क्लियर नहीं है। अब ये यूट्यूबर जो है वो लोगों के बीच में पहुंचता है और रोते रोते आप बीती जो है वो लोगों को सुना रहा है। लोग इसे काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों ने कहा कि तुम पुलिस से शिकायत करो। अभी अपनी साइकिल पर जो है पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस को रोते रोते पूरी आप बीती सुनाता है। हालांकि जिसने इसके साथ बदतमीजी की है उस पर कंप्लेंट जो है वो दर्ज हो चुकी है। लेकिन देखिए, हम कहते हैं हमारे भारत में अतिथि देव भव, यानी मेहमान भगवान के समान है। चाहिए नेपाल से केदारनाथ दर्शन करने आए हैं तो ये भी मेहमान के समान हुए ना, फिर क्यों ये शख्स भूल गए कि ये यूट्यूबर ही सही लेकिन हमारे देश का मेहमान तो है। एक तो आपने उसे खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, ऊपर वाला कहता है कि अगर किसी को खाना खिलाया जाए, पानी पिलाया जाए, इन सब चीज़ों को आपने काउंट नहीं करना, गिनना नहीं है। लेकिन आप देखिए, ये शख्स जो है उन सब चीज़ों को गिन रहा है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और बता दें आपको कि ये यूट्यूब पर जो है वीडियो भी अपलोड किया गया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। इस वीडियो के 1.8 मिलियन जो है वो व्यूज़ हो चुके हैं, काफ़ी बार लोगों ने इसे डाउनलोड कर अपने पेज पर भी शेयर किया है। लेकिन बात सिर्फ एक है कि भारत की जो छवि है उसे खराब किया। हो सकता था कि अगर आपको इस पर संदेह था तो सीधा आप इसे पुलिस के हवाले कर देते, आपको इसे बदतमीजी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आप पुलिस को बुलाते, पुलिस कुछ पूछताछ कर लेती। इतना ज्यादा उसे हरास किया गया, वो खुद बोल रहा है कि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, जो ये हुआ ये मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है। और एक यूट्यूबर ने तभी रोते हुए कहा कि हिंदुस्तान कभी मत आना, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, कभी अकेले घूमने मत आना। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें फक्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन कुछ हिंदुस्तानी लोग जो है वो सर को झुका देते हैं लोगों के सामने। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, इसे भारत से बाहर भी बहुत से लोगों ने देखा है और बहुत से लोग जो है रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो पर। क्योंकि आपको बता दें, आज वो लोग भी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं जो भारत पर बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और जो लोग हैं अब वो भारत में खामियां निकालने शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में भारत ने कुछ नहीं कहा, इस वीडियो में एक शख्स है जिन्होंने इसके साथ बदसलूकी की है, बदतमीजी की है और इसे जतलाया तुमने खाना खाया। इसे भगवान के बारे में पूछा जा रहा है कि तुमने दर्शन किए तो कैसे किए, हालांकि ये बाहर से घूमने आया। अगर आप इसके यूट्यूब चैनल पर जाते हो, जिसका नाम है बी क्रेजी करके, जिसका नाम है, और आपको बता दें कि इसका नाम यानी इस यूट्यूबर का नाम, जिसकी उम्र 21 साल है, इसका नाम है विश्वास राय है। और आपको ये भी बता दें कि 76.7 सब्सक्राइबर है, जिसमें से 101 वीडियोस इसने अपलोड कर चुका है अपने चैनल पर। अगर आप इसके चैनल पर जाएंगे तो आपको केदारनाथ की वीडियोस दिखेंगी, आपको वाकई में दिखेगा कि ये दर्शन कर
रहा है, तो उस शख्स को चाहिए था, उस अंकल को चाहिए था कि वो एक बार इस 21 साल के लड़के की बात सुन लेता और देख लेता कि ये वाकई में दर्शन कर क्या है। आपको बता दें कि केदारनाथ एक बार पहले भी सुर्खियों में रहा था जब वहां पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यानी एक यूट्यूबर ने अपने फियांसे को जो है वहीं पर एंगेजमेंट की और वहीं पर प्रपोज किया, जिन्होंने येलो कलर के कपड़े पहने थे। उसके बाद केदारनाथ में वीडियोग्राफी करना जो है वो बंद हो चुका था। आज केदारनाथ से एक और वीडियो जो है वो वायरल हुआ जिसमें एक यूट्यूबर के साथ बदसलूकी की गई, यानी नेपाल से जब वो यहाँ पर पहुंचा उत्तराखंड के चमोली में, वहां पर उसने कुछ ऐसा देखा, उसके साथ ऐसा हुआ कि वो विश्वास करने लायक ही नहीं था। अब नेपाल के लोग भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, और पूरे भारत में इस वीडियो ने किस तरह से खलबली मचाई है ये आप लोग अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं। यानी एक यूट्यूबर का दिल टूट गया भारत में आने से और उसने कहा कि भारत के लोग अच्छे नहीं है और तुम कभी भी भारत मत आना। देखिए हिंदुस्तान का सर इस शख्स ने जो है वो झुका दिया। आप अच्छी तरह से बात करते, आप उसके डॉक्यूमेंट्स देखते, आजकल इंटरनेट है, सब कुछ ऑनलाइन चेक हो जाता है, किससे बात करते, पुलिस को बुलाते, लेकिन किसी को हरास नहीं करते। आप इस वायरल वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो एक यूट्यूबर नेपाल से आया था उत्तराखंड दर्शन करने के लिए, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने आपको बताया, अब आप क्या राय रखते हैं उसे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे जम्बुलेटन न्यूज़, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर रखें।